हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में सबका स्वागत है। नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ पेरेंटिंग से रिलेटेड। मैं कभी फिजियोथेरेपी से, कभी पेरेंटिंग से, कभी कुकिंग, कभी फन, ऐसी वीडियोस आपके लिए, मिक्स कंटेंट वीडियोस आपके लिए आती रहती हूँ। सो मेरे वर्ल्ड में आपका सबका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो है रीयूजेबल डाइपर्स को लेकर। सो रीयूजेबल डायपर्स मैंने मंगाए थे देवांश देवीना के लिए, क्योंकि देवांश देवीना ट्विंस हैं, तो मुझे लगा कि डायपर्स मंगा के देखते हैं कि कैसे निकलते हैं। वैसे मैंने इनके रिव्यूज़ पढ़े थे तो कुछ खास अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार हमें भी ट्राई करके देखना चाहिए। और मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक रियल एक्सपीरियंस होगा कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये निकलते कैसे हैं, क्या है। सो आप देख सकते हैं कि ये रीयूजेबल डायपर है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। वैसे मैंने काफ़ी चीप वाला ही मंगाया था देखने के लिए, तो ये मुझे 900 में 7 पीसेस पड़े थे। 900 में 7 पीसेस बहुत ही एक नॉर्मल चीप वाला ही था ये। सो फिर भी उस हिसाब से ये बहुत अच्छा डायपर था। अभी तक भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं डेली यूज़ करती हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो चुके हैं, 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं यूज़ करते हुए। तब भी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं आई है डायपर में। सो मैं डेली देवांश देवीना को पहनाती हूँ। इसके अंदर ये एक निकलता है, इसको बोलते हैं पैड, तो ये इसके चारकोल वाले ही मैंने मंगाए थे। ये इसके अंदर आप इंसर्ट करके भी पहना सकते हैं ऐसे, और या फिर आप बाहर से भी इसको लगाकर ऐसे पहना सकते हैं बच्चे को। तो ये जो है 6 मंथ से लेके और 2 ईयर्स तक के बच्चे के हैं जो मैंने मंगाए थे। देवांश देवीना 1+ हैं, तो अभी उनके आराम से ये अभी 1 साल चल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जैसा कि इसका प्राइस है उस हिसाब से भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है जो मैंने भी पढ़ा था। अमेज़ॉन से मैंने मंगाए थे ये, अमेज़ॉन से, और 1-2 दिन में ही डिलीवर हो गए थे। सो इसका एक ही ड्रॉबैक है इस डायपर का कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पी ही रोक पाता है, कि आप सिर्फ बच्चे को एक बार पहनाएंगे। जैसे आप एक नैपी यूज़ करते हैं, सेम एज नैपी है, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ नैपी है कि इससे ज़्यादा लीक नहीं होता है, सुसु इसी में रह जाता है, तो सुसु नीचे कहीं लीक नहीं होगा। एक तो इसका ये सबसे अच्छी बात है, और दूसरा इसकी अच्छी बात है कि ये सर्दियों में काफ़ी अच्छा माना जाएगा, कि दिन में अगर आप सर्दियों में इसे लगा के रखेंगे एज़ कम्पेयर टू नैपी अंडरवियर की जगह, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता भी है, शो वाइज भी बच्चे को अच्छा लगता है। और इसमें फिटिंग एडजस्टमेंट है, आपका बच्चा पतला है मोटा है उस हिसाब से आप ये बटन्स वगैरह लगा के अपने बच्चे की अपने हिसाब से फिटिंग कर सकते हैं। सो आप नाइट में इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप इसे नाइट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट में अगर बच्चा करवट लेता है, कुछ होता है, तो ये गीला कर देता है, बेडशीट वगैरह ख़राब हो जाती है। सो इसे आप डे केयर में ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसे नाइट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ, लेकिन डे केयर के लिए ये सबसे बेस्ट है। और देवांश देवीना को मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप डे केयर के लिए लेते हैं और आप नैपी लेंगे या नैपी खरीदेंगे अगर ऑनलाइन, और अगर आप अंडरवियर खरीदेंगे, बच्चों के ब्लूमर खरीदेंगे ऑनलाइन, तो भी आप देखेंगे कि उनसे बेटर है ये, क्योंकि ये उसी प्राइस में पड़ रहा है आपको, और उससे अच्छा है। इसका कम्फर्ट जोन भी अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इसमें से पॉटी लीक नहीं करती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये इलास्टिक है, आप देख सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी पॉटी लीक नहीं करती है। बच्चा अगर पॉटी कर जाता है, तो अगर आप ब्लूमर होंगे, ब्लूमर में से बच्चे की पॉटी कई बार निकल जाती है, लीक हो जाती है, इसमें से नहीं होती। सूसू भी इसमें से लीक नहीं होता है। गर्मियों में, सर्दियों में तो आप इसके साथ ही इसको पहनाएं, गर्मियों में आप इसके बगैर भी इसको सिंपल ही पहनाएंगे, तो भी बच्चे का सूसू इसमें से बहुत कम लीक होता है। जब आप बहुत देर तक नहीं, या बच्चे ने बहुत ज़्यादा सूसू किया है, तो ही लीक होगा, अदरवाइज लीक नहीं होता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत अच्छा मटीरियल है। सो देख, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये फीडबैक आपके काम आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ।